हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DRDO एंट्री टेस्ट यानी CPTM 2019 के ऑफिशियल आंसर की अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं कुछ इसके डिटेल्स पहले आप शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका आंसर की आपको फाइनली ऑफिशियली वेबसाइट पर कब उपलब्ध मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट दोस्तों हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नई वैकेंसी आती है सरकारी, तो हम उसके नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक यानी फुल टचअप के साथ आपको पूरी अपडेट और साथ ही में दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता। आप सिर्फ अपने अपने एग्ज़ाम्स के बारे में हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम आपको उसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको मेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन थ्रू, आप जिस हिसाब से आपको चाहिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे जाता हूँ कि देख लीजिए, 28 से 30 सितंबर 2019 इन टू शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था DRDO CPTM का। और इसके बाद जो है काफ़ी बच्चे लोग हैं, उनके रिएक्शन आए थे कि सर कुछ पेपर अच्छे गए थे, जैसे कोपा के पेपर काफ़ी टफ गए, कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिशियन के पेपर काफ़ी नॉर्मल थे, इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरली जो है ज़्यादातर ट्रेड के क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के ऑब्वियसली, बट वहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ही लेवल कम था उसका, इतना हार्ड नहीं था, इतना मॉडर्न नहीं था। और कहीं जहीं लोगों की प्रतिक्रिया आई कि सर कोपा में काफ़ी जो क्वेश्चन था उसका लेवल बहुत टफ था, इसलिए कट ऑफ कम जानी चाहिए। तो ये सब मिली जुली जो है रिएक्शन हमें मिली थी। बट आपको कट ऑफ का जो है टोटल, जी हाँ दोस्तों, आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है आपका आंसर की। पहले आपको एक आंसर की रिलीज़ की जाएगी ऑफिशियली वेबसाइट पे, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड थ्रू उसे ओपन कर सकेंगे और अपना अपना क्वेश्चन पेपर देख सकेंगे। और क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपको वहाँ पे क्वेश्चन का जो है आईडी दी होती है, साथ ही उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उन सभी का जो है ट्रैकिंग आईडी होती है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपका राइट है, जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि राइट है बट वहाँ पे आपको रॉन्ग दिखाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्शन फॉर्म भी मिलेगा साथ में आपको, ऑनलाइन ही होगा दोस्तों, कुछ चार्जेस होते हैं 50-100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको चार्जेस पे करने होंगे। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरा राइट है और आपने यहाँ पे मुझे रॉन्ग दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा आंसर की के बाद आपका मार्क्स में ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन को आंसर की आने के बाद जो है उनके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों ये हो गई सारी बातें, बट दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे शेयर कर दूं कि 23-10, जी हाँ दोस्तों, 23-10-19 यानी कि 23 अक्टूबर को, जो आज 19 अक्टूबर है यानी 4 दिन के बाद, इसका री एग्ज़ाम हो रहा है DRDO का ही। जी हाँ दोस्तों, CPTM का ही जो है इसका जो है री एग्ज़ाम हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ सेंटर जो है सेलेक्टेड हैं, जैसे नोएडा में, पटना में, उत्तराखंड में, कुछ जहाँ पे एग्ज़ाम्स जो है बच्चे अब्सेंट थे किसी कारणवश, सेंटर्स पे काफ़ी इश्यूज आए थे कंप्यूटर को लेके, तो वहाँ के जो है परीक्षा को रद्द कर दी गई थी कि वहाँ पर जो है रिकंडक्ट किया जा रहा है एग्ज़ाम 23 तारीख को, यानी कि 23 अक्टूबर के बाद जो है आपको जो है फाइनल जो है टचअप होगा इसका DRDO के CPTM का एग्ज़ाम। यानी अभी तक जो है इसका एग्ज़ाम ही कम्प्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों अभी तक इसका जो है आंसर की रिलीज़ नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ कि अभी तक सिर्फ 2 दिन जो है 28, 29, 30 जो 3 दिन के जो पेपर थे, 2-2 शिफ्ट के यानी 6 पेपर हुए हैं, अभी भी आपका जो है 1 दिन पेपर होगा और उसमें पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने के बाद जो है आपको फाइनली जो है नेक्स्ट मंथ में, जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपको जो है पूरी 100% जो है इसी महीने में सेकेंड वीक, यानी कि अब तक आपके हाथ में जो है 14 अक्टूबर से, देख, जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर से आपको जो है आपके हाथ में जो है आपका आंसर की मिल चुका होता और आप अपना आंसर के समय मैच भी कर चुके होंगे। लेकिन सिर्फ इसका री एग्ज़ाम होने की वजह से इसका एग्ज़ाम जो है डिले हो गया था, और जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है इसकी वजह से इसका जो है सब कुछ डिले होगा, यानी कि आंसर की ऑब्वियसली डिले हो जाएगी। तो अब जो है इसकी जो डेट है जिसे आपको नोट डाउन करना है, वो डेट है आपकी दोस्तों सेकेंड वीक, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक के नवंबर में आपको इसके ऑफिशियल आंसर की जो है इसकी, जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑफिशियल आंसर की देख लीजिए, ये देखिए इसी प्रकार जो है आपको सामने मेंशन की रहेगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की DRDO एंट्री CPTM डाउनलोड ऑफिशियल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, अभी इसका आंसर की नहीं आया है, लेकिन 2 नवंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 2nd week of November तक आप जो है इसकी आंसर की चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।